इन सभी लोगों को दोषी करार दिया गया, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका भी पक्ष, मानवर इन लोगों का पक्ष भी जैसी की व्यवस्था है उसमें सुन लिया जाए। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में उसके लिए हमें क्षमा कर दें। एक दिन की लिए साधारण कारावास का दंड दिया जाए। अतः आदरणीय सदन की उक्त निर्णय के अनुसार आदेश दिया जाता है कि उक्त श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कानपुर, क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काधकाधिक कानपुर नगर, श्री मेहरवान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को एक दिन के लिए तारीख बदलने तक विधानसभा के लॉकअप में रखा जाए। हम न्याय के ऊपर संवेदनशीलता को महत्व दिया गया मानवर, और संवेदनशीलता उसके ऊपर मानी गई है। हम भी उसी परंपरा के निर्वहन के एक प्रकार से आदि हैं, इसलिए हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि इन सभी लोगों को दोषी करार दिया गया, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका भी पक्ष, मानवर इन लोगों का पक्ष भी जैसी की व्यवस्था है उसमें सुन लिया जाए। कम से कम इनको अपने बारे में सजा के लिए क्या कहना है। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो जनता के हितों के लिए ही बराबर, जब सत्ता में रहते हैं तो संसाधन जुटाकर, जब विपक्ष में रहते हैं तो अपनी आवाज़ बुलंद करके ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनहित हो सके, और जनहित के किसी काम के लिए जब कोई शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रकार से अपना ज्ञापन, अपना प्रतिवेदन देने जिलाधिकारी के वहाँ जा रहे हैं, तो जिस प्रकार का व्यवहार किया गया मानवर वो अपने आप में अशोभनीय भी है, निंदनीय भी है और सजा योग भी है। इसलिए मानवर आपने यहाँ पर यह व्यवस्था की है कि सभी, पूरी विधानसभा आज कोर्ट में परिवर्तित हुई, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले, हम किसी भी प्रस्ताव से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका पक्ष क्या है, आपको भी कन्विक्शन के रूप के अंतराल पर वो सॉरी कन्विक्शन के मामले में कि कितना दंड इनके लिए हो, इनको भी मान लिया सुन लिया जाए कि क्या स्थिति है। मैं सुन लेता हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित श्री अब्दुल समद, श्री ऋषिकांत शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा, श्री मेहरवान सिंह यादव, मैं आपको एक एक करके इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूं कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री अब्दुल समद। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलील बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूँ। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो माननीय पूरे सदन से हम लोग माफी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको? नहीं सर, आप पूछ लीजिए सबसे। चलिए, ये कुछ ये अपनी बात इनकी आ गई, श्री अब्दुल समद जी की बात आ गई, बाकी सभी का वही। आप बोल रहे हैं कुछ? बोलिए बोलिए बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलील बिश्नोई जी, आवाज आ जाएगी, बोलिए। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार के दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी अगर त्रुटि हो गई हो उसको क्षमा कर दे और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायक गण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी। जी, और कोई बोलना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से
सभी सदस्य ये महसूस करते हैं आज जो कटघरे में खड़े हैं अब्दुल समद के साथ जो पांचों लोग कटघरे में खड़े हैं उन सभी लोगों ने बाकी सबकी भी यही राय है। सभी लोगों ने विनम्रता पूर्वक माफी का प्रस्ताव किया है। लेकिन मान्यवर लोकतंत्र में इस विधायिका का सम्मान बचा रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि एक 4 लाख 5 लाख 6 लाख और 10-10 लाख लोगों से चुनकर लोग आए यहाँ पर, वो लोग केवल जनता के हितों में काम करते हैं। ये भी सही है कि ये अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मान्यवर ये अधिकार नहीं मिल जाता कि इन लोगों को किसी प्रकार से नाजायज तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अब्यूज करें, किसी को अपमानित करें या डंडा चलाएं। जहां वहां पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बल प्रयोग करें या किसी प्रकार से गाली दें, और इस प्रकार की स्थिति बाकायदा वीडियोग्राफी में आई है। मानवर ये सही है कि हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि संवेदनशीलता तो जरूरी है, निभाना भी चाहिए, लेकिन मान्यवर फिर भी चूंकि आज ये सदन कोर्ट में परिवर्तित हुआ और आपको सर्वाधिकार है हर तरह से, और इसके संबंध में भी कई प्रकरण यहाँ विधानसभा में, चाहे 1959 हो चाहे उसके बाद 89 हो, इसके बीच में भी एक दो प्रकरण ऐसे आए, लगातार इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजॉरिटी जजमेंट से इस बात को परिभाषित किया है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी और जो व्यवस्था व्यवस्थापिका है वो किसी प्रकार से एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। और हम समझते हैं कि यहाँ का ये फैसला, आपका जो फैसला, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंजेबल नहीं है मानवर। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक ये प्रस्ताव करूँगा कि चूंकि इन लोगों का व्यवहार अपने, इन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि मिनिमम इनको सजा दी जाए, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के द्वारा के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला श्री तत्कालीन थाना अध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को एक दिन यानी आज रात के 12 बजे तक दिन का कारावास की सजा दिया जाए। संविधान की उद्देशिका निम्न प्रकार से प्रारंभ होती है, हम सबको मालूम है कि हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अतः हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं एवं इस आदरणीय सदन के सदस्य भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः उनकी मर्यादा एवं गरिमा को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों एवं विशेषाधिकार प्रविधानित किए गए हैं। ये एक सत्यापित सिद्धांत है कि संविधान के अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत सदन विशेषाधिकार एवं अवमानना के मामलों में निर्णय लेने हेतु सर्वाधिकार धारित करता है तथा सदन का निर्णय इस मामलों में अंतिम होता है। हम सबको यह एहसास है कि हमारा यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा और इसके दूरगामी परिणाम एवं संदेश होंगे। संविधान में न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका की शक्तियों को पृथक पृथक रूप से परिभाषित किया गया है। इन शक्तियों के पृथक्करण एवं सिद्धांत हमारे संविधान की जीवन रेखा है।
यदि इन तीनों संवैधानिक संस्थाओं द्वारा एक दूसरे के अधिकारों एवं शक्तियों में अतिक्रमण किया जाएगा तो उसके परिणाम नकारात्मक होंगे और ये संस्थाएं शनै शनै समाप्त हो जाएंगी। हमारा ये दायित्व है कि संविधान निर्माताओं ने जो योजना बनाई है हम लोग सम्मान करें और अपने अधिकारों का प्रयोग अपनी सीमा के अंदर रहकर करें। जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों एवं कार्यपालिका द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से विधायिका द्वारा भी कार्यपालिका की सीमा में अनधिकृत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। विधायिका तथा न्यायपालिका के परस्पर संबंध में अपने दायरे में रहने चाहिए। विशेषाधिकार एवं सदस्यों की अवमानना की जो शक्ति सदन को प्रदत्त की गई है वह इसी उद्देश्य से प्रदान की गई है कि सदन अपनी कार्रवाई सम्मानपूर्वक एवं मर्यादित ढंग से कर सके एवं सदन के सदस्य अपने अधिकारों का शांतिपूर्वक प्रयोग कर सकें। आज हमारे समक्ष कतिपय सरकारी कर्मचारियों की दोष के आधार पर दंड देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। सदनों और सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अवमानना के प्रावधानों को अधिनियमित नहीं किया गया क्योंकि उनका प्रयोग परिस्थितियों एवं विभिन्न मामलों के अनुसार किया जाने का मंतव्य है। कई बार इस पर चर्चा की गई, विशेषाधिकार अवमानना के बिंदुओं को अधिनियमित कर दिया जाए, परंतु इस संबंध में अभी तक कोई मतैक नहीं हो पाया। सदन के सभी माननीय सदस्य जनता के प्रतिनिधित्व हैं एवं संविधान की उद्देशिका में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि संविधान के अंतर्गत हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं। यदि जनता उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध लोकतांत्रिक अधिनियमों के प्रयोग में कोई बाधा आती है तो उसको रोकने के लिए विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, अन्यथा यह संस्था महत्वहीन हो जाएगी। उपरोक्त वर्णित संवैधानिक योजना के अंतर्गत वर्तमान प्रकरण में भी इस आदरणीय सदन को आज विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण चिंतनीय है और इस प्रकरण में आदरणीय सदस्यों के विरुद्ध जिस प्रकार का वर्ताव दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है वो उनके अधिकारों से परे है था एवं संविधान अनुशासन के विपरीत था। दोषी अधिकारियों के आचरण के कारण ही विशेषाधिकार समिति द्वारा ये संस्तुति की गई कि उनको दंड दिया जाए। विशेषाधिकार एवं सदन के सदस्यों की अवमानना की शक्तियां विशिष्ट एवं वृहद हैं। हम इस बात को पूरी तरीके से विज्ञ हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग सामान्यता नहीं किया जाना चाहिए, परंतु यह हमारा दायित्व है कि विधायिका के मर्यादा को संरक्षित करने हेतु इन शक्तियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे इन संस्थाओं की गरिमा बनी रहे एवं परस्पर सम्मान बना रहे। इन शक्तियों का प्रयोग जनहित के उद्देश्य में ही किया जाना चाहिए। इस सदन के एक आदरणीय सदस्य के साथ जो आचरण उनके शांतिपूर्वक प्रतिवाद के सापेक्ष किया गया वो निंदनीय है एवं इस संबंध में निश्चित रूप से एक संदेश जाना चाहिए कि विधायिका एवं उनके सदस्यों को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग में इस प्रकार का आचरण ना किया जाए, अन्यथा ये संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी और संसदीय लोकतंत्र भी खतरे में रहेगा। हम सबका ये दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उदाहरण पेश हो एवं इस संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षित एवं सुरक्षित करने रखने के उपाय करें। सरकारी नौकरियों में जो लोग कार्य करते हैं उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनके भी संवैधानिक दायित्व हैं जिनकी लक्ष्मण रेखा है और उसको पार नहीं कर सकते, अन्यथा सीमाओं का उल्लंघन होता रहेगा एवं विधायिका कमजोर होती रहेगी। हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने त्याग एवं बलिदान करके स्वतंत्रता प्राप्त करी है एवं संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया है। यदि इसी सदस्य के जनता के प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जाता रहेगा तो ये संस्थाएं बहुत आगे नहीं चल पाएंगी एवं हमारी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सदन एवं उसके सदस्यों को ये शक्तियां किसी के डराने धमकाने दंडित करने के उद्देश्य नहीं बनाएगी, परंतु इस कारणवश अस्तित्व में आई कि सदनों की गरिमा मर्यादा एवं उनका संवैधानिक महत्व बना रहे एवं संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ हो। शासकीय अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 में कतिपय संरक्षण प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो संघ या सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए एवं विधिवत जांच के उपरांत ही सेवा से हटाया जा सकता है अथवा पदच्युत किया जा सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 11 के खंड 2 में यह प्रावधानित है कि यदि सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि किसी कारण से ऐसी जांच कराया जाना युक्त रूप से साध्य नहीं है, तो उसके बिना भी अधिकारी को सेवा से हटाया जा सकता है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विधानमंडलों, सदनों तथा उनके सदस्यों के विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां प्रावधानित की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि विधानमंडल के किसी सदन अथवा सदस्यों की समितियां की शक्तियां, विशेषाधिकार और अनुमतियां ऐसी होंगी जो वह विधानमंडल समय समय पर निश्चित करे। वर्णित परिस्थितियों से यह स्पष्ट है संविधान के विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां वृहद हैं। मेरा यह समाधान है कि समाधान है तिक अनुच्छेद 194 एवं 311 में आपस में द्वंद्व नहीं है। अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत बिना जांच के किसी भी अधिकारी को सेवा में अवमुक्त किया जा सकता है तथा 194 के अंतर्गत जो शक्तियां विधानमंडल को प्रदत्त हैं उसके तहत सेवा संबंधित जो दंड उनको कारावास अथवा संबंधित दंड विधानमंडल द्वारा दिए जाते हैं उनको 311(2) के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी अवलोकनीय है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा दोषी अधिकारियों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, अतः ये नहीं कहा जा सकता इस मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया। क्योंकि विशेषाधिकार समिति द्वारा वृहद जांच की जा चुकी है, अतः अनुच्छेद 311 में निहित नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा चुका है। अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 194 तथा निर्वचन सामंजस्यपूर्ण नीति से किया जाएगा, अतः शासकीय अधिकारियों के दायित्वों तथा सदन की विशेषाधिकार समिति व सदस्यों की अवमानना की शक्तियों के मध्य में कोई द्वंद नहीं है, वरन एक दूसरे का परस्पर सम्मान एवं उनकी सेवाओं का आदर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सदन द्वारा विशेषाधिकार हनन हेतु अथवा सदस्य की अवमानना हेतु निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की आंतरिक कार्य प्रणाली नियमावली के परिशिष्ट 2 नियम 73 दंड 1 सदन अथवा विशेषाधिकार समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित दंड दे सकते हैं। 1 भर्सना, 2 सशस्ति, 3 सदस्य का निलंबन, 4 जुर्माना तथा सदस्य का निष्कासन तथा कारावास जिसकी अवधि सदन के प्रस्ताव पर निर्भर है परंतु सत्रावसान या विघटन के उपरांत आगे नहीं बढ़ा जा सकती और अन्य कोई दंड जिससे सदन अनुच्छेद 194 के उपबंधों के अंतर्गत उचित समझे और ठीक समझे वो भी दंड दिया जा सकता है। उपयुक्त वर्णित प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में कारावास के दंड का भी प्रावधान है जिसकी अवधि अधिकतम सभी के विघटन तक हो सकती है। विशेषाधिकार के उल्लेख एवं अवमानना के संबंध में जो शक्ति प्रदत्त की गई है उसका उद्देश्य गंभीर दंड देने का नहीं वरन उन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा एवं गरिमा का संरक्षण करना है। संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे अवसर आए हैं जबकि जनप्रतिनिधियों द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारियों के प्रयोग में विरोध उत्पन्न हुए, ऐसी बातों की पुनरावृत्ति ना हो तथा जनप्रतिनिधियों के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से हो सके, इसी उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 194 की योजना विरचित है। वर्णित परिस्थितियों एवं तथ्यों एवं विधिक संवैधानिक प्रावधानों के स्थिति में सभी माननीय सदस्यों के मंतव्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मानना है कि प्रस्तुत प्रकरण में विशेषाधिकार समिति द्वारा सभी पाए गए दोषी अधिकारियों को कारावास की सजा दी जाए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है कि प्रायः एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूं और आज भर के लिए ये एक दिन का आज भर के लिए इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई होगी। यहाँ पर ऊपर विधानसभा परिसर के अंदर ही शुरू से जिस समय विधानसभा बनी थी और कानून के ये व्यवस्था इस बात को ध्यान रखा गया था कि अगर कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तो यहाँ पर ऊपर एक सेल है जहाँ पर जेल का वो प्रावधान है तो वहाँ पर इन लोगों को ले दिया जाएगा। क्योंकि सारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं इन्होंने माफ़ी मांगी है और इनको उदारतापूर्वक अपनाते हुए, नहीं तो पुरानी जो समिति थी उन्होंने इनके निलंबन का भी प्रस्ताव किया था, इनका वो और बहुत गंभीर दंडों का प्रस्ताव किया था,
लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इस सदन का मंतव्य है, क्योंकि इनके आचरण, इनके व्यवहार और उन्हें क्षमा चाहिए, इसीलिए इनको एक दिन का दंड दिया जाता है। मैं प्रश्न ये है कि माननीय सलीम विश्नोई तत्कालीन सदस्य माननीय विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जी, विशेषाधिकार समिति के संस्तुतियों के अनुसार इनको तलब किया गया है। यहां पर प्रताड़ना भी एक तरीके से आने के बाद वो महसूस ही कर रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे। हमारी एक संसदीय परिपाटी बहुत गरिमा में है और उदारता पूर्वक उसका संचालन होता है, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपसे कि इन्हें सायंकाल की जगह पर कुछ घंटे बैठने की, एक घंटे या देने की, या उसमें यदि मुझे अपनी बात कहने में, मेरा यह अनुरोध होगा कि हमारे भाई ठीक है, आप बोलिए, सदन की गरिमा हमारी उदारता पूर्वक संचालित होती रही है और लोकतंत्र के भीतर उदारता और सरलता महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप जो कहेंगे वही होगा, तो आप इसलिए ये मेरा परेशान हो रहे सब कि इस पर एक बार पुनर्विचार करने की कृपा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य, माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष पीठ से निर्णय होने के बाद मान्यवर अब ये उस पर विचार या पुनर्विचार होने की आवश्यकता नहीं है मान्यवर। ठीक है, लेकिन मान्यवर आप संवेदनशील हैं और आपने बड़ी उदारता पूर्वक इसको दिया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि चलिए मुझ पे छोड़ ये आप लोगों पर के साथ व्यवहार जो है वो ठीक हो और पानी की, भोजन की व्यवस्था मान्यवर आप करवा देंगे तो अच्छा रहे। प्रश्न ये है कि श्री तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर तथा 5 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मचारियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थाना देश के दुबेनगर कानपुर, श्री त्रिलोकेश सिंह तत्कालीन उपरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना दुबेनगर कानपुर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना कानपुर नगर, श्री मेहरवान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना कानपुर को एक दिन का कारावास की सजा दी जाए। जो माननीय इसके सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं आदेश देता हूँ, चूंकि उत्तर प्रदेश ये आदेश जाएगा, मैं आदेश के पहले ये कह देना चाहता हूँ कि हमारा किसी इंडिविजुअल के प्रति, किसी एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के प्रति ये कोई दुराभाव नहीं है, ना ही किसी के व्यक्ति कोई बात है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है और वी द पीपल ऑफ इंडिया जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इनका सम्मान होना ही चाहिए। अब उसके बाद, क्योंकि इस बात के सभी सम्मानित सदस्यों ने इस बात को कहा है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उससे सदन उसकी स्वीकृति दे चुका है, तो उसके आधार के ऊपर ये आदेश है कि चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपनी दिनांक 3 मार्च 2023 की बैठक में यह निर्णय लिया कि एक श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कानपुर नगर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थाना अध्यक्ष कानपुर नगर कानपुर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल काकादेव कानपुर नगर एवं श्री मेहरवान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को, श्री विष्णु के तत्कालीन सदस्य माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर के विशेषाधिकार हनन एवं आदरणीय सदन की अवमानना के दोष में एक दिन के लिए साधारण कारावास का दंड दिया जाए। अतः आदरणीय सदन की उक्त निर्णय के अनुसार आदेश दिया जाता है कि उक्त श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कानपुर, क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर नगर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थाना देश किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरवान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को एक दिन के लिए तारीख बदलने तक
विधानसभा के लॉकअप में रखा जाए। मार्शल विधानसभा उक्त मार्शल विधानसभा उत्तर प्रदेश उक्त समस्त अभियुक्त गणों को सजा भुगत करने हेतु लॉकअप में ले जाएंगे। मेरा ये भी ये आदेश मेरे हस्ताक्षर है मोर से आज दिनांक 3/2023 को पारित किया जाए। वहां पर कारावास में किसी भी प्रकार का कोई पीड़न कोई वो नहीं होगा, पूरे सारी प्रकार की सुविधाएं जो अनुमन्य है, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था रहेगी वो होगा। तो अब मार्शल से मार्शल को आदेश है कि इन सब लोगों को यहाँ से ले जाएं। आज नियम 301 के अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं दी गई सारी की सारी स्वीकृत हुई। ये इतनी बड़ी बात कह दी यार। वित्तीय वर्ष 2023 पर आय व्यय के अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान। माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, प्रस्ताव पढ़े।